लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी में स्पाइसी फूड्स खाने से बच्चे की आंखें खराब होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को डाइट और लाइफस्टाइल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान खान पान से जुड़ी गड़बड़ी महिला और गर्भ में पले शिशु दोनों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान खान पान को लेकर के जानकारी की कमी और भ्रामक जानकारी की वजह से महिलाएं कई बार गलत कदम उठा लेती हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्पाइसी फूड यानी मसालेदार खाना खाने से गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि प्रेगनेंसी में स्पाइसी फूड्स खाने से गर्भ में पल रहे शिशु की आंखें खराब हो सकती है या अंधापन हो सकता है। कई बार महिलाएं इन बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत को उल्टे परिणाम झेलने पड़ते हैं। क्या प्रेगनेंसी में स्पाइसी फूड खाने से बच्चे की आंखें खराब होती हैं? आइए हकीकत क्या मैं आपको बताता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कई तरह के फूड खाने की क्रेविंग होती है। इस दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को विशेष पोषण की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रेन फूड्स की क्रेविंग बढ़ाने वाला सिग्नल भेजता है। इस दौरान संतुलित मात्रा में पौष्टिक फूड का सेवन करने से शरीर को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्पाइसी या मसालेदार खाना खाने से नुकसान गंभीर नुकसान होता है। इंटरनेट पे ऐसे दावे मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे सच क्या है बहुत कम लोगों को पता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्पाइसी फूड खाने से शिशु की आंखों को नुकसान पहुंचाने वाला दावा बिल्कुल गलत है। इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक तर्क मौजूद नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बर्न और पेट से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए महिलाओं को स्पाइसी फूड का कम मात्रा में सेवन करने की मैं सलाह देता हूँ। क्या प्रेगनेंसी में स्पाइसी फूड खा सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान संतुलित और कम मात्रा में मसालेदार फूड्स का भोजन का सेवन करना पूरी तरह सुरक्षित है। स्पाइसी फूड का सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ मसालों का सेवन करने से फायदा भी मिलता है। हालांकि इस दौरान संतुलित मात्रा में ही मसालेदार भोजन का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जायफल का सेवन करने से बचना चाहिए। अधिक मात्रा में जायफल का सेवन करने से आपका एबॉर्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान खान पान और देखभाल से जुड़ी किसी भी बात पर आंख बूंद कर भरोसा करने से पहले अपने जो डॉक्टर आपका है उससे एडवाइस लेना जरूरी है। डॉक्टर आपको जो बोले आपको वही करना है। डॉक्टर आपको जानता है, डॉक्टर आपकी केयर करेगा और डॉक्टर जानता है आपको कितना इम्यूनिटी की ज़रूरत है, आपको क्या मेडिसिन चाहिए। तो डॉक्टर से ही पूछे, ऐसा कोई चलता हुआ बंदा कुछ बोलता है या YouTube पे कोई ऐसा बोलता है कि भाई इससे खाने ज़्यादा मिर्ची खाने से बच्चे की पेट में आँख खराब हो जाती है, ये गलत है, सब गलत बातें हैं। इन बातों पे आपको भरोसा नहीं करना है। आपको भरोसा करना है अपने डॉक्टर के ऊपर जिसके पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, और कौन क्या बोलता है उस पर कोई भी भरोसा आपको नहीं करना है। इस दौरान लापरवाही बरतने से गंभीर समस्याओं का खतरा भी रहता है। सपोज आपने कुछ गलत कर दिया, बिना डॉक्टर के पूछे खा लिया, तो उससे आपको भी नुकसान होगा, आपके बच्चे को भी नुकसान होगा। इसलिए डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस करे वैसा ही आपको करना है। वो था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।